This program is brought to you by IndianFunkar.com. दोस्तों आदाब, आपके सामने मैं शाहजहां शाह। ये जो इंडियन फनकार का प्लेटफार्म है, अभिषेक गलसर साहब, बहुत सारे लोग इस इंडियन प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं, फनकार के प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं। हिंदी उर्दू के शायर इसके साथ आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के शायर इनसे जुड़े हुए हैं, बल्कि इंटरनेशनल शायर भी इससे जुड़े हुए हैं, ये हिंदी साहित्य से जुड़े हैं। और मेरी शुभकामनाएं इनके लिए कि ये चैनल और आगे जाए। और उसी के साथ मैं कुछ पेश कर रहा हूँ, कुछ शेर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि देखिए, एक शेर मेरा है कि दर्द का खून कर दिया मैंने, दर्द का खून कर दिया मैंने, एक ठहाका लगा के जोरों का, दर्द का खून कर दिया मैंने, एक ठहाका लगा के जोरों का, वो जानता हूँ मैं पिछड़ जाऊँगा, जानता हूँ मैं पिछड़ जाऊँगा, रास्ता फिर भी दिया करता हूँ, जानता हूँ मैं पिछड़ जाऊँगा, रास्ता फिर भी दिया करता हूँ। और ये गज़ल का एक मतला और दो तीन शेर समाप्त फरमाए कि बहुत आसान होता है किसी का दिल दुखा देना, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है किसी का दिल दुखा देना, ये नेकी काम आएगी गिरे को फिर उठा देना, बहुत आसान होता है किसी का दिल दुखा देना, ये नेकी काम आएगी गिरे को फिर उठा देना, वो तुम्हारी याद के बादल हमारे साथ जाएंगे, तुम्हारी याद के बादल हमारे साथ जाएंगे, तुम्हें मुझे तुम भूलना चाहो तो अश्कों में बहा देना, तुम्हारी याद के बादल हमारे साथ जाएंगे, मुझे तुम भूलना चाहो तो अश्कों में बहा देना, वो तरीका छोड़ दीजिए इस सखावत की नुमाइश का, तरीका छोड़ दीजिए इस सखावत की नुमाइश का, सलीका सीखिए जाकर किसी को कैसे क्या देना, तरीका छोड़ दीजिए इस सखावत की नुमाइश का, सलीका सीखिए जाकर किसी को कैसे क्या देना। एक मतलब एक शेर और देखिए कि मेरे लुटने का भी सबब होगा, मेरे लुटने का भी सबब होगा, मुझसे नाराज मेरा रब होगा, मेरे लुटने का भी सबब होगा, मुझसे नाराज मेरा रब होगा। इस शेर पर ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि मुझसे नाराज मेरा रब होगा। और एक पटरी पे आ गए दो दिल, एक पटरी पे आ गए दो दिल, हादसा अब नहीं तो कब होगा, एक पटरी पे आ गए दो दिल, हादसा अब नहीं तो कब होगा। यह गज़ल का मतलब कि तेरी आँखों में बात सारी है, तेरी आँखों में बात सारी है, रात तूने कहाँ गुजारी है, तेरी आँखों में बात सारी है, रात तूने कहाँ गुजारी है। और एक कतरा पिला के बोला हो, एक कतरा पिला के बोला हो, अब तेरी ज़िंदगी हमारी है, एक कतरा पिला के बोला हो, अब तेरी ज़िंदगी हमारी है, और तुम जो पीते तो जाने क्या होता, तुम जो पीते तो जाने क्या होता, जब नहीं पी तो ये खुमारी है, तुम जो पीते तो जाने क्या होता, जब नहीं पी तो ये खुमारी है। और मेरा एक बड़ा मशहूर शेर है, इस पर तवज्जो चाहूँगा कि जब नहीं पी तो ये खुमारी है, और मिल नहीं सकते छू नहीं सकते, मिल नहीं सकते छू नहीं सकते, इश्क अपना भी शाकाहारी है, मिल नहीं सकते छू नहीं सकते, इश्क अपना भी शाकाहारी है। एक गज़ल चार पांच शेर है, इसमें मैं तरन्नुम से आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि कल भी मिलना किसी बहाने से, कल भी मिलना किसी बहाने से, अपने महबूब से दीवाने से,
अपने महबूब से दीवाने से, कल भी मिलना किसी बहाने से, अपने महबूब से दीवाने से। और शेर तो जो चाहूँगा कि तेरे घर के ही पास मस्जिद है, तेरे घर के ही पास मस्जिद है, कौन रोकेगा आने जाने से, तेरे घर के ही पास मस्जिद है, कौन रोकेगा आने जाने से। और शेर सुनिएगा कि तेरी आँखों का जब ख्याल आया, तेरी आँखों का जब ख्याल आया, लौट आया शराब खाने से, तेरी आँखों का जब ख्याल आया, लौट आया शराब खाने से, तेरी सूरत निखर गई कितनी, तेरी सूरत निखर गई कितनी, इश्क की धूप में नहाने से, तेरी सूरत निखर गई कितनी, इश्क की धूप में नहाने से। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि इश्क की धूप में नहाने से दोस्ती और गहरी होती है, दोस्ती और गहरी होती है, शाद पीने से और पिलाने से, दोस्ती और गहरी होती है, शाद पीने से और पिलाने से, तेरे घर के ही पास मस्जिद है, कौन रोकेगा आने जाने से। शुक्रिया दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। थैंक्स।